दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं और हम मौजूद हैं अमृतसर में, और यहीं पर इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चुनावी मिजाज लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले ये कि आप अमृतसर आए हैं और अमृतसर आते हैं तो अमृतसर ईस्ट की वो सीट याद आती है जिस पर एकदम पूरी हवा बनी हुई है नवजोत और मजीठिया के बीच में। आपको लगता नहीं कि इससे आप कैंपेन को कुछ प्रभाव पड़ेगा? इससे बहुत फायदा होगा। कैसे? एक्चुअली नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया जी एक दूसरे से लड़ने के लिए आए हैं और दोनों एक दूसरे को हराने के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी जो कैंडिडेट हैं जीवन ज्योत जी, वो अब लोगों के बीच एक पॉजिटिव उम्मीद बन गई हैं। लोगों को लग रहा है ये तो बड़े बड़े हाथी हैं, ये तो हमेशा कुचलने के लिए आते हैं कि जिसको मौका मिले कुचलने की लड़ाई लड़ते हैं, और जीवन ज्योत लोगों के बीच से निकल के आ रही हैं। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से काम करते हैं, भगवंत मान जी जिस तरह से काम करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो लोग उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं जी। सर, लेकिन अमृतसर की बात करें तो ये नवजोत सिद्धू का एक गढ़ माना जाता है, एमपी रहे, एमएलए रहे, तो इस मजबूत किले को भेद पाना कितना मुश्किल है? आज आप अमृतसर में जाके बात करो, लोग मजाक बनाते हैं सिद्धू साहब का। लोग कहते हैं यार इस आदमी को हमने चुना तो था इसलिए कि एक अच्छा एमएलए बनेगा, एक अच्छा मिनिस्टर बनेगा। वो केवल और केवल लड़ने झगड़ने वाला एक ऐसा नेता बन गया जिसने पंजाब के लिए कुछ नहीं सोचा, अमृतसर के लिए कभी कुछ नहीं सोचा, सोचा तो केवल अपनी कुर्सी के लिए सोचा, और इतना अनर्गल बोल बोल के पता नहीं क्या नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। तो लोगों को नॉन स्टॉप बोल के अपनी कुर्सी और इन सब की गोज और इन सब के लिए वाला नेता थोड़ी चाहिए, लोगों को काम करने वाला नेता चाहिए जी। आपको लगता है कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे एक रेस रही कि नवजोत बैठेंगे या अमरिंदर रहेंगे, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक माहौल तैयार हो रहा था, कहीं फायदा हो? आम आदमी पार्टी का माहौल तैयार हुआ केजरीवाल जी के काम से। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल जी ने, पूरी सरकार ने दिल्ली में काम किया और जो माहौल बना वहाँ पे कि भाई सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, लोग कहते थे नहीं हो सकते, बिजली फ्री मिल सकती है, लोग कहते थे नहीं मिल सकती है, अस्पताल सरकारी अच्छे हो सकते हैं, लोग कहते थे नहीं हो सकते, तो अब तो सब प्राइवेट स्कूलों पर, प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो वहाँ से एक माहौल बना। अमृतसर में आते हैं तो गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर या जलियावाला बाग, अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो यहाँ पर क्या काम किया जाएगा? यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत है एजुकेशन की, क्योंकि पंजाब का जो यूथ है, पंजाब के हर घर में इस बात की चिंता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, और एक एजुकेशन डेस्टिनेशन बन गया है कनाडा, कि अगर आपको अच्छी एजुकेशन दिलानी है तो कनाडा ले जाओ बच्चों को, और बेचारे ज़मीन बेच के, घर गिरवी रख के, पता नहीं कैसे कैसे कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो सबसे पहले तो वो ख़त्म करना है, पंजाब के बच्चों के लिए ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था करनी है कि हर पंजाबी, हर पंजाब का परिवार अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन पंजाब में दिला सके और कनाडा से अच्छी दिला सके जी। सर, पिछली बार की बात करें तो मालवा में लगभग आम आदमी पार्टी को ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला, माझा में नहीं, तो इस बार इस क्षेत्र में क्या रणनीति? इस क्षेत्र में काम बोल रहा है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप चलो किसी भी हल्के में जाओ, मोहल्लों में चले जाओ, पिंड में चले जाओ, हर एक गाँव से कोई ना कोई दिल्ली में है, सब ने देखा हुआ है। लोग कहते हैं अरे वो बिजनेस ब्लास्टर देखा है मैंने, बहुत बढ़िया हुआ है वो, मैंने पता है मेरे रिलेटिव रहते हैं, उनके बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज माझा में भी पहुंच गई हैं, दुआबा में भी पहुंच गई हैं, हर जगह पहुंच गई हैं जी। चुनाव अब त्रिकोणीय नहीं रहा है, पंचकोणीय बन चुका है, और इसको आप कितनी फाइट मान रहे हैं? आपको लग रहा है कि वोट बैंक में, वोट शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है? जिनको आप कौन बोल रही हो वो बड़े बड़े हाथी हैं, वो जनता को कुचलते हैं। कांग्रेस सत्ता चाहिए, कांग्रेस को जनता को कुचलने के लिए, रेता माफिया के हाथों बिकने के लिए। अकालियों ने तो 10 साल जो लूट मचाई उनको वापस वो करने के लिए चाहिए, तो एक कौन है वो। दूसरा कौन है, स्कूल बनाने के लिए किसी को सत्ता चाहिए, हॉस्पिटल ठीक करने के लिए चाहिए, रोज़गार देने के लिए चाहिए, नशा खत्म करने के लिए चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए सत्ता में की व्यवस्था चाहिए, तो ये दो ही कौन है बस। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि हमारे सर्वे में चरणजीत चन्नी जो हैं वो चमकौर साहिब से हार रहे हैं, और उसके बाद ही शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पता लगता है कि दो सीट से अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो सर्वे हो रहे हैं इंटरनल, उससे आपको लग रहा है कि आगे जा रही है और कांग्रेस डर रही है? कांग्रेस डर रही है ये तो सिद्ध हो गया, चमकौर साहब से चन्नी जी हार रहे हैं, हमने ये कहा था, और जैसे ही ये बात चन्नी जी को समझ में आई उन्होंने तुरंत सोचा कि रिस्क मत लो, एक और सीट से जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस नई सीट से वो पर्चा भरने गए ना, वहाँ से भी हारेंगे और चमकौर साहब से, जबकि चमकौर साहिब तो उनका गढ़ माना जाता है 15 साल से। उस गढ़ में लोगों के लिए कुछ किया नहीं ना, मैं गया, मैंने सोचा कि 15 साल से राजनीति कर रहे आदमी हैं, हो सकता है चलो दुनिया भर की चीज़ें, सड़कें टूटती बनती रहती हैं,
हो सकता है कुछ कुछ नहीं किया, चलो ठीक है स्कूल तो ठीक कराए होंगे बेसिक, स्कूलों में कुछ हालत नहीं है। स्कूलों में मतलब हालत इतनी खराब थी, मैं तो खुद गया, मैंने कहा पूरे चमकौर साहब में एक स्कूल बता दो जो 15 साल में ठीक कराया हो। अब तो आप मुख्यमंत्री हो, आदेश दे दिए ये आदमी ना स्कूलों में घूम रहा है, इसको अंदर मत घुसने देना। तो अब चमकौर साहब की जनता भी देख रही है, एक तरफ केजरीवाल जी हैं, भगवंत मान हैं, जो पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं, चमकौर साहब में स्कूल ठीक कराना चाहते हैं, एक तरफ चन्नी साहब हैं जिन्होंने 100 दिन में भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड तोड़े, तो जनता अपने आप चलेगी। सर अमृतसर बॉर्डर के नज़दीक है, तो क्या यहाँ पर जो नशा सप्लाई हुआ इसके पीछे आप मानते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है? दूसरा ये कि मौजूदा सरकार ने उस पर रोक के लिए कोई कदम नहीं उठाया, सुरक्षा के लिहाज से कोई ध्यान नहीं दिया, अगर आम आदमी पार्टी आती है तो क्या करेगी? देखिए नशे को यहाँ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन रहा है और नशा यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए पैसा कमाने का एक धंधा रहा है, नशा फैलाना। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, और ऑब्वियसली जब नई पॉलिटिक्स आ गई तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन बंद हो जाएगा। तो वो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एक बार बंद हो गया तो नशे वालों को भी लगेगा कि भाई अब भागो यहाँ से, अब दुकान नहीं चलने वाली। लेकिन सर क्या रणनीति होगी, क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा और ये बहुत ही चैलेंजिंग भी होगा। देखो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के इशारे पे काम करती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडरशिप अगर नशे के कारोबार को प्रोटेक्ट करती है तो निश्चित रूप से पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पुलिस वाले चाहते हैं कि उनके बच्चों को नशा हो जाए, पुलिस वाले थोड़ी चाहते हैं। आज पुलिस वालों को मौका दे दो, पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे नशे वालों को। सर लेकिन अगर पंजाब में अब आपकी सरकार बनती है तो कौन से मुख्य काम होंगे जिन पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए? जैसा मैंने कहा एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, बिजली, नशे का आपने जिक्र किया, हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है, गांव में तो बहुत बुरी हालत है, तो हेल्थ सिस्टम पे प्रायोरिटी है। दूसरा पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्री को भी लोगों ने मिल्की काव बना दिया, कोई आदमी इंडस्ट्री और ओवरऑल बिजनेस को, कोई आदमी अपना शोरूम खोले, कोई अपना एजेंसी ले, कोई फैक्ट्री लगाए, हर जगह से इन लोगों ने वसूली का धंधा चला रखा है। तो व्यापारी कहता है जी हम व्यापार करें कैसे, छोटा सा काम बढ़ता है व्यापार पे, ये लोग इसे बोलते हैं पैरेलल टैक्स, नेताओं वाला टैक्स लेने आ जाते हैं। सरकार को तो टैक्स देने को तैयार है व्यापारी, पर ये नेताओं को कितना टैक्स दे उनका जेब ही नहीं भरती है। तो इसलिए जो दिल्ली में हुआ, जैसे दिल्ली में हमने व्यापारियों को यही आश्वासन दिया कि भाई टैक्स के रेट नहीं बढ़ाएंगे और दूसरा आपके ऊपर रेड राज खत्म करेंगे, तो जैसे ही दिल्ली में रेड राज खत्म हुआ दिल्ली का व्यापारी फलने फूलने लगा, दिल्ली का व्यापारी फलने फूलने लगा तो दिल्ली सरकार के पास भी टैक्स आया और दिल्ली के लोगों की आमदनी बढ़ गई। आप मानते हैं कि फ्रीबीज से पंजाब का डेवलपमेंट होगा? जिसे आप फ्रीबी कहते हो वो लोगों का हक है। लोग टैक्स किस लिए देते हैं? लोग टैक्स इसलिए देते हैं कि सरकार उनके लिए बिजली की व्यवस्था करे, स्कूल की व्यवस्था करे, अस्पताल की व्यवस्था करे, और जहाँ गरीबी हो सरकार थोड़ा सा कानून और मदद करे। अब ये सड़क है, ये लोगों को फ्री मिलनी चाहिए। जैसे हम इस कॉलोनी में घूम रहे हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, तो यहाँ लोगों को सड़क मिलनी चाहिए। लोग टैक्स इसलिए देते हैं कि सड़क मिले लोगों को, लोग टैक्स इसलिए देते हैं कि यहाँ पे बिजली 24 घंटे मिले और सस्ती मिले या बहुत महंगी ना हो, या जो गरीब परिवार हैं उनको फ्री मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, और लोग टैक्स देते हैं इसलिए। अब जो ये फ्रीबीज की बात करते हैं, इनका पॉलिटिक्स क्या है? मंत्रियों के घर में तो बिजली आनी चाहिए फ्री, और जो टैक्स का पैसा है वो मंत्री चोरी करेंगे और जनता फिर बिजली खरीदेगी महंगे दाम पे प्राइवेट कंपनियों से, ये पॉलिटिक्स तो अपने को नहीं करनी। सर मैं लुधियाना गई थी और वहाँ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई सरकार कुछ नहीं सोचती है, हमको जरूरत है कि हमारे लिए टैक्स में कुछ गिरावट की जाए। क्या ऐसी भी कुछ रणनीति है आपकी तरफ से? देखिए एक व्यापारी, जैसा मैंने कहा उद्योगपति, व्यापारी, कोई भी छोटे से दुकान चलाने वाला आदमी भी, बड़े से बड़ा बिजनेस चलाने वाला आदमी ये चाहता है कि भाई मैं मेहनत करके बिजनेस करना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ, मेरे को सरकार दुखी ना करे। कभी फायर इंस्पेक्टर भेज के, कभी नगर निगम का इंस्पेक्टर भेज के, कभी लेबर का इंस्पेक्टर भेज के, कभी वैट का इंस्पेक्टर, GST का इंस्पेक्टर भेज के मेरे को दुखी ना करे। हम पंजाब के व्यापारियों को आश्वासन करना चाहते हैं कि एक भी व्यापारी को कोई इंस्पेक्टर दुखी नहीं करेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। आप ईमानदारी से व्यापार करो, अपने इंडस्ट्री लगाओ, मेहनत करो, जिसमें जितनी योग्यता और मेहनत है उस हिसाब से आगे बढ़ो। राज्य सरकार आपको आश्वासन देगी कि आपको कोई भी आदमी दुखी नहीं करेगा सरकार में। जी।
सर 26 साल यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा, 19 साल अकालियों को मौका मिला, आपको लगता है इस मजबूत किले में अपनी जगह बनाना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत आसान होगा या चुनौतीपूर्ण? एक राजनीति है, आम आदमी पार्टी क्या है, एक आंदोलन है, एक राजनीति है कि भाई ईमानदारी की राजनीति लानी है। दिल्ली में भी यही बात थी, दिल्ली में भी कांग्रेस और बीजेपी थे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जब एक बार केजरीवाल जी की सरकार चलती हुई देखी, पहले 49 डेज की देखी, उसके बाद लोगों को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया राजनीति करते हैं, ये होती है सरकार चलाना, उनको फुल फ्लेजेड लाते हैं। जब फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट दी तो उसके बाद तो ऐसी दी कि दोबारा भी दे दी, और 70 में से 62 दे दिए, और खूब काम हुए हैं दिल्ली का। बच्चा बच्चा कहता है जी काम तो बहुत है, तो पंजाब में भी यही होगा। आप तो सर अमरिंदर जी ने कुछ काम किया पंजाब में आपको लगता है, या सुखबीर सिंह बादल ने या चन्नी जी ने? खैर चन्नी का ये कहना है कि 111 दिन ही है, ज़्यादा वक्त मिला नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को 49 डेज मिले थे, आज भी लोग कहते हैं कि 5 साल की सरकार अलग, और अभी तो 2 साल दूसरे उसके, लेकिन वो 49 डेज भी लोगों को याद हैं, और चन्नी जी के 100 दिन भी लोगों को याद हैं, किस तरह से उन्होंने पूरी खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार को, लूट को। सर एक आखिरी सवाल, लोगों का ये मानना है, हम सर्वे कर रहे हैं लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं कि आप किसको मौका देंगे, किसको वोट देंगे, तो लोग बहुत खुल के भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुप हैं। उनका कहना है कि हम अब कुछ बदलाव चाहते हैं, जो हमारे बारे में सोचे, स्कूल शिक्षा के बारे में सोचे। और सर जिस तरीके से आपने दिल्ली के स्कूलों की सूरत और सीरत बदली है, उससे बहुत प्रभावित हैं लोग, दिल्ली के मॉडल पर लोग वोट करना चाहते हैं। दिल्ली के मॉडल पर वोट करना चाहते हैं, पंजाब की उम्मीद पर वोट करना। हर पंजाबी आदमी को ये उम्मीद है कि यार मैं अपने बच्चों को कम से कम, मुझे एक, मैं आपको बात बताता हूँ, एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था यहाँ पे, तो दूर थोड़ा सा दूर बैठ के एक आदमी अपनी फैमिली के साथ में, वो भी मेरे ख्याल से फिरोजपुर से आए थे, वो भी नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद में एक आधा आदमी मेरे से मिलने आया, तब तक उनकी भी थोड़ी हिम्मत बंधी और वह मेरे से मिलने आए। उनके साथ उनकी 2 बच्चियाँ थी छोटी छोटी, मेरे ख्याल से यू कैन से 5th 6th में पढ़ रही होंगी, उस एज की थी या उससे छोटी होंगी। बोले जी अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो हम अपने बच्चों को लेके अब कनाडा चले जाएं या कहीं और शिफ्ट हो जाएं, या आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, क्योंकि कांग्रेस और अकालियों ने हमारे बच्चों का भविष्य नहीं छोड़ा है। बोले मैं जब जब अपनी बच्चियों की तरफ देखता हूं, मुझे लगता है कि या तो यहां सरकार ठीक हो जाए, नहीं तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो यहां से पंजाब में बच्चों को कनाडा तो नहीं जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, जरूरत भी नहीं है। क्यों हमारे देश के बच्चे जाएं? हम बच्चे पैदा करते हैं, इतना प्यार करते हैं बच्चों से, इतनी मेहनत करते हैं उनके साथ मिलके, कनाडा को गिफ्ट करने के लिए थोड़ी करते हैं, अपने परिवार को की ग्रोथ के लिए करते हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए करते हैं। हर पंजाबी का परिवार खुशहाल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सर हमने किसी से बात की थी तो जो वोटर्स हैं, आम जनता है, उनका कहना था पंजाब में कि आपकी जो भी सरकार आएगी ना, वो आसानी से जाएगी नहीं, वो कुछ बड़ा ही करेगी, मतलब उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं सर लोगों को आपसे। तो क्या आप को लग रहा है कि 5 साल में काम हो जाएगा या दोबारा से वक्त और मांगा जाएगा? नहीं, 5 साल में जो काम हो सकते हैं वो 5 साल में हो जाने चाहिए, कुछ काम ऐसे हैं जो 5 महीने में हो सकते हैं। शुरुआत में मुख्य तौर पर कौन कौन से होंगे? देखो हर चीज को ना ट्रैक पे लाना होता है, जैसे आज आप दिल्ली के स्कूलों को देख रहे हो, तो कुछ काम 5 महीने में हो गए थे, कुछ काम 5 साल में हुए, कुछ काम अभी 7 साल में भी चल रहे हैं, जैसे बिजनेस ब्लास्टर है, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप देनी है, ये सारे काम अभी भी चल रहे हैं। तो बिजली है, केजरीवाल जी ने 24 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे दिल्ली में, और आपको याद होगा इलेक्शन मैनिफेस्टो में केजरीवाल जी ने कहा था मैं बिजली के दाम आधे करूँगा, लेकिन जब सरकार आगे चली और सरकार को केजरीवाल जी को लगा, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने मैनिफेस्टो में तो आधे के लिए बोला था, बिजली फ्री कर दी। यहाँ सर कई MLA ऐसे हैं जिनसे हमने बातचीत की, देखा, रिकॉर्ड देखा, तो उनके 4-4, 5-5 बंगले हैं और ज़बरदस्त तरीके से खूब उनके पास जायदाद है, क्या ऐसे भी कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी ने मौका दिया? इनसे पूछा जाए कि जो MLAs हैं यहाँ के, भाई आपका राजनीति में आने से पहले बैंक बैलेंस क्या था और अब क्या है? पंजाब के लोग मेहनती लोग रहे हैं, खुशहाल लोग रहे हैं, तो पैसा होना किसी के पास कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप राजनीति में आए 5 साल पहले 10 साल 15 साल पहले, उस वक्त आपके पास पैसा क्या कितना था, और जब से आप फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हो आपके पास नया पैसा कहाँ से आया? आपके घर में टकसाल लग गई, आपने अपने घर पे हेलीपैड बनवाया, कहाँ से आया वो पैसा? आप एक तरफ कह रहे हो जी पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कंगाल पड़ी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं घर में अपना हेलीपैड रखूँगा, तो ये कहाँ से आ रहा है पैसा? तो आप मानते हैं यही भ्रष्टाचार है जिसको आप जड़ से खत्म करेंगे? यही भ्रष्टाचार है जिसको केजरीवाल जी की राजनीति जड़ से खत्म करने की बात करती है और दिल्ली में किया है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से हमने खास बातचीत की, जिन्होंने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार का जड़ से सफाया होगा और लोगों को एक नया पंजाब देखने को मिलेगा। फॉर मोर सच फाइन स्टोरीज एंड वीडियो रिपोर्ट्स फ्रॉम फील्ड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द न्यू इंडियन।